मित्रों जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों सूर्य को जल देने वाले लोटे में डाल दो ये चीजें, करोड़पति हो जाओगे। मित्रों आज के इस वीडियो में मैं आपको सूर्य को जल देने वाले लोटे में कुछ ऐसी चीजें डालना बताऊंगा जिन्हें डालने से आप रोड़पति से करोड़पति हो जाएंगे। दोस्तों सूर्य देव को जल देते समय हमें कुछ चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि काफी शुभ होता है, और इनके इस्तेमाल से इतना ही नहीं माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। धार्मिक दृष्टि से बहुत अधिक लोग प्रतिदिन सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही इसके फायदों के बारे में जानते हैं। जबकि सभी लोगों को यह जानना आवश्यक है कि सूर्य को जल क्यों चढ़ाना चाहिए। वैसे तो सूर्य को हर रोज ही जल चढ़ाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है, लेकिन कुछ विशेष दिनों में सूर्य देव को जल चढ़ाने से बहुत सारे लाभ होते हैं। ज्योतिषों के मुताबिक रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा का विधान है। धार्मिक दृष्टि से बहुत अधिक लोग प्रतिदिन सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही इसके फायदों के बारे में जानते हैं। जबकि सभी लोगों को यह जानना आवश्यक है कि सूर्य को जल क्यों चढ़ाना चाहिए। वैसे तो सूर्य देव को हर रोज ही जल चढ़ाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है, लेकिन कुछ विशेष दिनों में सूर्य को जल चढ़ाने से बहुत सारे लाभ होते हैं। आइए जानते हैं कि सूर्य देव को जल देने के लाभ, सूर्य को जल देने की विधि और सूर्य देव को जल देने वाले लोटे में क्या खास चीजें होनी चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से राधे राधे जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी हो। दोस्तों ज्योतिष के मुताबिक रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की पूजा का विधान है। यह मान सम्मान और सुख समृद्धि दिलाने वाला दिन होता है। इस दिन सही नियम से सूर्य को जल चढ़ाने से व्यक्ति के सारे दोष सूर्य देव की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। सूर्य देव की पूजा करने और उन्हें जल चढ़ाने वाला व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय पा लेता है। इतना ही नहीं, सूर्य देव की पूजा से व्यक्ति के भाग्य में विशेष राजयोग भी बनता है। और इसके अलावा यदि आप रोज सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान भी देना चाहिए। सर्वप्रथम जब हम सूर्य देव को जल दें तो लोटे को दोनों हाथों से पकड़ें, और इस दौरान हमारी नजरें लोटे से गिरते हुए जल से प्रतिबिंब पर लगी होनी चाहिए, अर्थात हमारी नजरें लोटे से गिरती हुई धारा पर लगी होनी चाहिए। सूर्य को जल देने वाले लोटे में जल के अलावा लाल पुष्प, चावल और मिश्री विशेष रूप से जल के अंदर होनी चाहिए, और हमारा मुख पूर्व दिशा की ओर उगते हुए सूर्य की तरफ होना चाहिए तथा इसी मुद्रा में भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में मान सम्मान बढ़ेगा। जन्म कुंडली में सूर्य से संबंधित जो भी आपके दोष लगे होंगे वो समाप्त हो जाएंगे और राजयोग बनेंगे, सुख समृद्धि का वास होगा और विशेष रूप से आप लाभकारी सिद्ध होंगे। दोस्तों अगर आप इन सारी चीजों को जुटाने में असमर्थ हैं तो दोस्तों आप सूर्य देव को जल देने वाले लोटे में एक तांबे का या स्टील का 1 रुपए का सिक्का अवश्य डाल लें, और फिर आप सूर्य देव के मंत्र का 3 बार जप करें और भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। दोस्तों इतना करने से आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और हमेशा माता लक्ष्मी आपके घर को धन संपत्ति से भर देती हैं। आपके कार्य में जो भी रुकावटें आती हैं उन्हें माँ लक्ष्मी और भगवान सूर्य देव मिलकर समाप्त कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर रोज़ नई नई वीडियो, नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। जय श्री राधे।